हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और ये मेरा पतंजलि हॉल वीडियो पार्ट टू है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुझे और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं जो काफ़ी रिलायबल है और पतंजलि में सबसे बेस्ट लगे हैं। पिछले वीडियो की तरह ही मैंने आज कुछ और प्रोडक्ट्स लाई हूँ। सबसे पहले जो मुझे बहुत रिलायबल और बहुत अच्छा लगा वो था पतंजलि का दंत कांति पेस्ट। ये टूथपेस्ट मुझे काफ़ी रिलायबल लगा। ये 100 ग्राम का टूथपेस्ट है फॉर 40 रुपीज़ और ये काफ़ी वर्थ है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे अगरकारा, नीम, बबूल, तोमर, पुदीना, लौंग, पीपली, वज्रदंती, बकूल, वड़ी, हल्दी, पीलू और माजूफर। ये हमें हमारे मसूड़ों को स्वस्थ बनाता है और जर्म से भी फाइट करता है। इतना ही नहीं, जब भी मेरे गले में खराश होती थी या फिर जब भी मेरा कोई दांत दुख रहा होता था, तो जब भी मैं इसे पेस्ट करती थी, अपने दांतों को पर इस्तेमाल करती थी, इससे मुझे तुरंत आराम मिल जाता था, गले की खराश भी दूर हो जाती थी और सांस का बदबू आना, मुँह में से बदबू आना, पायरिया जैसे कई सारे प्रॉब्लम से छुटकारा ये देता है। ये अपने आप में एक दवाई है दांतों के सभी प्रॉब्लम्स की। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है पतंजलि केश कांति नेचुरल क्लेंजर। इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, इसका स्मेल। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, जब भी आप इसे शैम्पू कर रहे होते हैं, जो भीनी भीनी खुशबू आती है उससे आपकी पूरी टेंशन गायब हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली यहाँ पे ड्राई स्किन के लिए भी, मतलब ड्राई जो हेयर है जिनके, उनके लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। बालों का टूटना, झड़ना, रूखेपन को दूर ये करता है। इसमें रीठा, आंवला, भृंगराज, हीना, शिकाकाई, नीम, तुलसी, हल्दी, बाकुची, गिलोय, घृत कुमार, आंबा हल्दी भी है। ये 200 ml है फॉर 75 रुपीज़, यहाँ पे प्राइस दी हुई है। ये प्रोडक्ट बहुत ही वर्थ है और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत बहुत और बहुत अच्छा लगा। ये आपके जो हेयर को है वो ड्राई नहीं करता, ऑयल भी निकालता है। बहुत ही अमेजिंग खुशबू है और इतने सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जिससे आपके बालों को टूटना भी कम करता है, झड़ना भी बंद करता है। अपने आप में ये बेस्ट शैम्पू है। तीसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है हनी एंड ऑरेंज फेस वॉश एंड ऑरेंज एलोवेरा फेस वॉश विथ नीम एंड तुलसी। ये दोनों फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन सबसे बेस्ट है एंड फॉर सेंसिटिव स्किन भी हनी एंड ऑरेंज बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। ये दोनों फेस वॉश हमारे स्किन में से डर्ट और ऑयल सब चीज़ों को निकालता है, अच्छे से क्लेंज करता है विदाउट लेट इट ड्राई, मतलब बहुत ड्राई नहीं होने देता और अच्छे से क्लेंज करके मॉइस्चराइज भी करता है। पर अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है तो इस फेस वॉश को ना इस्तेमाल करते हुए आप इस फेस वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हनी ऑरेंज है, उसे आप अच्छी तरीके से सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं एंड ड्राई स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार फेस वॉश करना है और दोनों 45 रुपीज़ के हैं फॉर 60 ml। दोनों की प्रोडक्ट्स और जो रिज़ल्ट है काफ़ी अमेजिंग है। ये दोनों फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन लाजवाब है, बहुत ही अच्छे है। और पांचवी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो हल्दी चंदन कांति। ये एक बॉडी क्लिंजर है, सोप है, बहुत ही सस्ती है, 13 रुपये की है और इसमें है मंजिष्ठा, तुलसी, गिलोय, नीम, आंवला, हल्दी और शुद्ध सुहागा। इस रेंज के सोप को बाकी सोप से अगर कंपेयर किया जाए तो ये सोप मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी रिलायबल लगी है और इसके हिसाब से इन्होंने बहुत कुछ दिया है इस सोप में।
इसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। मैंने जब तक इसका इस्तेमाल किया है मुझे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिया है दिखा है। ये बहुत ही अच्छा और सूदिंग और बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी, बहुत ही अमेजिंग स्मेल है। चंदन और हल्दी दोनों की स्मेल इसकी आती है एंड विच इज़ ऑल्सो गुड। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होता है, चंदन हमें ठंडक प्रदान करता है। ये पांचों चीज़ें मुझे पतंजलि में अच्छी लगी है। अगली बार और मैं कुछ और चीज़ें लेकर आऊँगी जो मुझे पतंजलि की काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी। और थैंक यू सो मच।